आप यकीन कीजिए, इवन जंगल में भी खुदा गवाह है वफादारी को अहमियत दी जाती होगी। ये तो सवाल ही नहीं है। मर्द में से गैरत निकाल दीजिए और औरत में से वफा निकाल दीजिए तो दोनों को फूंक मार के उड़ा दीजिए। उनकी कोई जरूरत नहीं है माशरे में, और ना ये माशरा तकलीफ देने की कोई जरूरत है। हमारे पास बड़े होते हैं इतने पैसे कि शाम को सो लिए फट्टे पर सो गए, ना हमें घर बनाने की जरूरत है। सही। तो ये बात समझनी होगी। तीसरी बात जो एक अहम है जो मैं बहुत डरते हुए करना चाहता हूँ आज, मुझसे कोई खफा ना हो इस बात के ऊपर, अपने माशरे से करप्शन निकालनी, अपने शोहर के घर लाए हुए पैसे मत गिनिए, उसे सवाल पूछिए तुम लाए कहां से। मैं रिपीट कर रहा हूं, और खुदा के वास्ते जिस दिन माशूका बीवी माँ और बहन ये सवाल करने लगेंगी ना, और इस सवाल को सख्ती से पूछने लगेंगी, बहुत सारे मामले तय हो जाएंगे। और तीसरी बात, उसको ये कॉन्फिडेंस दीजिए, वो आगे बढ़ेगा, वो हलाल के पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। उसको कहिए जितने तू कमा के लाता है मैं इसमें गुजारा कर लूंगी। सही। खुदा के वास्ते शो ऑफ से बचिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए। अगर कपड़े आपको खूबसूरत है तो आप पर लानत, अगर कपड़े आपको खूबसूरत करते हैं तो मतलब यू आर नो बॉडी। क्या बात। आप जब कपड़े आप पहने, कपड़े खूबसूरत लगे आपकी वजह से, तो डोंट बिलीव दैट। और अगर कपड़े पहनने से, महंगे कपड़े पहनने से आप अपने शौहर को सस्ता कर रही हैं, तो खुदा के वास्ते हरकत मत। सही बात है, वही मीना साहब।